हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया लेके आई हूँ। ये देखिए सामने, ये मैं सूम रेक लेके आई हूँ। इसमें मैं अपने जूते चप्पल रखूंगी। ये देखिए, ये आप मार्केट में इजीली 250-200 से परचेज कर सकते हैं। ये इस तरह से रहता है, इस पर कुछ नहीं है, ये मैंने इस पर कटिंग करके रखी है। तो देखिए, ये इस तरह का मैं एक रैक लेके आई हूँ और इस पे मैं अभी कवर लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कम पैसे में आप अच्छा सूट कैसे बना सकते हो। ये देखो, मैंने एक यहाँ पे, ये देखिए, एक पाइप कटिंग की है और यहाँ पे मैं इसे फिट करूंगी। ये इसलिए ताकि कवर अच्छी तरह से इस पे आ जाए और फिटिंग होके लग जाए। तो देखिए, ये सूट जो अभी मैं इसे बनाने अच्छे से मतलब इसे फिट करने वाली हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने PVC पाइप ली है और इसे 2-2 इंच साइड साइड से कट कर दिया है। ये कट इसलिए किया है ताकि देखिए ये इस पर अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए कुछ यूँ इस तरह से, और इसे स्क्रू से मैं कस दूंगी ताकि ये हिले नहीं और अच्छी तरह फिट हो जाए। और ये जब हमारा पाइप लग जाएगा तो हमारा कवर जो है वो बहुत अच्छी तरह कोने पर बैठेगा। तो देखिए, मैंने स्क्रू से इसे कस दिया है। देखिए इसे, हाँ, ये बहुत अच्छी तरह फिट हो गया है। अब मैं कवर डाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस पे कवर मैंने डाल दिया है। इसकी स्टिचिंग मैंने आपको दिखाई नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही सिंपल है। मैं बता दूँ कि मैं सीधे आपको साइड में, आपको एक सीधे में कपड़ा आपको लंबा लेना है, वो आप अपना मेजरमेंट कर लें। जितना बड़ा आपका सूरेख होगा उतना बड़ा ही आपको लेना है। ये देखिए कुछ यूँ इस तरह से। ये मेरे पास मैट पड़ा हुआ था वेस्ट, अब मैंने, मेरा कोई यूज़ नहीं था तो मैंने सोचा इसे सूजरेक में लगा दूं। तो देखिए, ये वाटरप्रूफ मैट है तो इसकी ये खासियत होगी, मैं इसे कहीं भी रखूं, पानी से भी ये बचने वाला है, डस्ट तो जाएगा नहीं। ये देखिए, फ्रंट में हमने अलग से फिट किया है और बैक में भी इसी तरह माप के अच्छी तरह से सूरेक को मैंने बैक में भी, ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, अभी ये थोड़ा आपको लूज़ दिख रहा होगा लेकिन ये अभी पूरी अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ये देखिए, बैक में भी जैसे आगे में हमने लिया मैट का कपड़ा, वैसे पीछे हमने किया। आगे और पीछे एक आप समझिए रुमाल की तरह चरकूट सा कटा है, उसे हमने लगाया है और साइड में एक लंबा कपड़ा हमने लिया है। अब देखिए, मैं इसे फिट करने के लिए यहाँ पर वाइट वो कॉटन वाली जो रिबन आती है उसे मैंने लगाया है। ये देखिए, चारों कॉर्नर पर आप इस तरह से ले कर सिल दें, ये देखिए, ताकि ये अच्छी तरह से उसमें फिट हो जाए, उड़े नहीं अगर हवा वगैरह चलती है तो। देखिए, सारे कॉर्नर्स को यूं दिखा रही हूं मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ सूरेक पे ऊपर हमारा खाली था तो मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड काट के और रख दिया है ताकि ये जो हमारा कवर लगे वो उस पर गड्ढा ना बने और कुछ हम ऊपर भी रख सकते हैं। ये देखिए, चारों कोने अच्छी तरह से बांध दिए गए हैं ताकि ये अच्छी तरह से फिट हो जाए और सुंदर दिखे। ये देखिए, जो खाली गैप है हमारा, इसमें भी काटन का एक टुकड़ा काट के मैं लगाती हूँ। ये देखिए, तो ना तो नीचे से डस्ट आएगी ना ऊपर से, और बाकी तो हमारा सूरेख कवर है ही। तो देखिए ये कितना अच्छे से फिट हो गया है। ये देखिए, आप इस पर भी चाहें तो कोई पेपर या कार्डबोर्ड रख सकते हैं। ये देखिए, मतलब बहुत ही कम खर्च में सिंपल सूरेक आपका, आपके शूज की भी जितने भी आप रखो इसमें उसकी भी सेफ्टी रहेगी। एक तो गीला नहीं होगा, प्लस डस्ट नहीं जाएगा। ये देखो, और कितने कम खर्च में हमने इतना प्यारा सूरेक बना लिया और काफ़ी बड़ा है जिसमें हमारे बहुत सारे शूज आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा सूरेक अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये आपके लिए भी अगर यूज़फुल है, इतनी कम प्राइस में अच्छे से बना के आप भी अपने घर में अपने जूतों को अरेंज करके सैंडल्स को रख सकते हैं, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।